फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत छोटी सी टिप्स लेकर के आई हूँ और एक बहुत अच्छी सी DIY भी। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में जो पुराने टी शर्ट होते हैं हम उन्हें फेंक देते हैं, खासकर बच्चों के, तो इन्हें ना फेंक करके चलिए आज मैं बनाती हूँ एक बहुत यूज़फुल DIY जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना प्रिय चैनल अपना संसार। चलिए शुरू करते हैं आज की DIY। तो बस मैंने लिया है एक टी शर्ट, ये मेरी बेटी का टी शर्ट है, तो मैंने सोचा इसको डिस्कार्ड करने से बढ़िया है इसको कुछ ऐसा बनाया जाए जो यूज़ किया जा सके। तो मैं इस पे यहाँ पे निशान जैसा कुछ बना रही हूँ, सीधे लाइन खींच रही हूँ, क्योंकि लाइन खींचे बिना कोई भी सर्कल या कोई भी लाइन अच्छे से नहीं बनती है। तो बस सीधी सीधी सी लाइन खींचनी है कुछ इस तरीके से। ये बहुत यूज़फुल बनने वाला है और आप जब देखेंगे वीडियो को पूरा ना तो वाओ ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है और हमें चाहिए होता है ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र। तो क्यों ना ढेर सारी चीज़ें रखने के लिए हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएं और उसमें हम ढेर सारी चीज़ें रख दें और देखने में भी वो बहुत खूबसूरत लगे। तो चलिए देखिए, मैंने लाइन को पूरा कर लिया है और मैं एक लाइन यहाँ लास्ट में फिर से बनाऊँगी। जहाँ जहाँ पर मैंने लाइनिंग खींची थी वहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है और उसके बाद में मैं वहाँ पर कट करूँगी कुछ इस तरीके से। कट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि नीचे का जो पोर्शन है वो ना कट होने पाए, सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही कट हो, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ एक पॉकेट और ये पॉकेट आपकी बहुत काम की है। तो चलिए पॉकेट को अच्छी तरीके से पहले कट कर लीजिए ध्यान दे करके, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो कट लग जाएगा पीछे भी, जो ना तो देखने में अच्छा लगेगा ना सामान को ऑर्गेनाइज करने में अच्छा लगेगा। तो बस कुछ इस तरीके से मैं कट करते रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा सिलाई के आसपास छोड़ करके। तो पूरे में कट कर लेना है जितने पॉकेट मेरे बने हैं, और आप देख रहे हो कि इसमें ढेर सारे पॉकेट बने हैं और कितने बड़े बड़े पॉकेट बने हैं। तो मैंने पूरा कट कर लिया और ये देखिए, अब आप इसमें चाहे
बच्चों के रूम में लगा दीजिए, उन्हें अपने पेन पेंसिल जो भी रखना हो वो रख दें, और आप चाहो तो अपने वार्डरोब में रख लीजिए और इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हो वो रख सकते हैं। चाहे आप इसमें किचन में रख लीजिए या आप मेकअप एरिया में रख लीजिए, जो चीज़ जहाँ रखनी हो सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आपको ये टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मेरा जो ऑर्गेनाइजर बना हुआ है ये कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है ना।